अब क्या पता नहीं कि क्या कारण है कि बाढ़ पीड़ित से किसी को मतलब नहीं है, सरकार को भी मतलब नहीं है, ना कोई नेता मंत्री संतरी कोई यहाँ नहीं आता है। सब लोग अपना व्यवस्था किसी तरह जी रहा है, मर रहा है, खाने बगैर खाना भी नहीं है, अन्न पानी घर में लोगों को बेरी में अनाज सड़ गया, खाना बनाने के लिए दिक्कत है, जलावन का दिक्कत है, माल मवेशी का भी दिक्कत है। हैं आप लोग देख रहे हैं कि बांध पर पूरे गांव इधर हैजलपुर लगुनिया बाघाकुल के लोग पूरे बांध किनारे जो है कि बांध पर बसे हुए हैं लोग। यहाँ पर मैं हूँ सुबोध सिंह। हम अभी अमनौर विधानसभा क्षेत्र के लगुनिया बगहा पंचायत में है और पंचायत गंडक नदी किनारे पड़ता है। गंडक नदी में पानी ओवरफ्लो होने के बाद इस पंचायत में आ गया है और चारों तरफ भी देखिएगा जलजला आ गया है। ये सड़क है, ये सड़क है जो गांव को, जो मेन रोड से लिंक रोड है, गांव को जोड़ती है। और गांव में, गांव के ऊपर जो सड़क है उस पर लगभग 2 से 2.5 फीट पानी भर रहा है। अब पानी का करंट इतना है, फ्लो इतना है, इस रास्ते से गुजरना मुनासिब नहीं समझता, वो खतरनाक होगा। गांव के लोगों से जानते हैं कि ये बाढ़ की कितनी बड़ी विभीषिका गाँव में आई हुई है। गाँव के एक प्रतिनिधि हैं, पहले अपना नाम बताइएगा। राजकिशोर राय, हम बाघा कुल निवासी हैं, इस पंचायत के पूर्व मुखिया हुए। इस गांव में बाघा कुल, ये पंचायत है बाघा कुल पंचायत के हैजलपुर लगुनिया बाघा कुल, ये जो है कि 8 फीट पानी में डूबा हुआ है। लेकिन आज तक अभी तक कोई शासन और प्रशासन जो है कि यहाँ सूझबूझ लेने के लिए नहीं आया है। अच्छा, जो आप कई गांव के नाम बताए हैं, इस गांव के कितनी कितनी आबादी है जो कि बाढ़ की विभीषिका झेल रही है? कम से कम 1,000 के लगभग यहाँ बाढ़ आबादी है इस गांव का, जो पानी में यानी 1,000 की जो आबादी है बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। 1,000 घर, एक हजार घर, यानी लगभग लगभग 5 से 6 हजार आबादी कम से करीब करीब होनी चाहिए। लगभग पाँच से दस हजार के लगभग 10,000 की आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। अभी तक आपका आरोप है कि कोई मदद करने नहीं पहुंचा? कोई नहीं यहाँ आया है अभी तक। वजह क्या हो सकता है, क्यों नहीं पहुंचा? अब क्या पता नहीं कि क्या कारण है कि बाढ़ पीड़ित से किसी को मतलब नहीं है, सरकार को भी मतलब नहीं है, ना कोई नेता मंत्री संतरी कोई यहाँ नहीं आता है। सब लोग अपना व्यवस्था किसी तरह जी रहा है, मर रहा है, खाने बगैर खाना भी नहीं है, अन्न पानी घर में लोगों को बेरी में अनाज सड़ गया, खाना बनाने के लिए दिक्कत है, जलावन का दिक्कत है, माल मवेशी का भी दिक्कत है। हैं आप लोग देख रहे हैं कि बांध पर पूरे गांव इधर हैजलपुर लगुनिया बाघाकुल के लोग पूरे बांध किनारे जो है कि बांध पर बसे हुए हैं लोग, कोई यहाँ सूझबूझ लेने आता है? स्थिति ये हो गई है कि गांव के लोग जब गांव में पानी आ गया, घर में रह नहीं सकते हैं, तो सड़क पर शरण लिए हुए हैं। कितनी तकलीफ लोगों को हो रही है? बहुत ज़्यादा तकलीफ है ना, यहाँ खाने का अथी तजुर्दा है, नहीं रहने का सुविधा है, नहीं माल मवेशी का सुविधा है, कोई खिलाने पिलाने का कोई सुविधा यहाँ नहीं है। चुनावी समय आ गया है, तो अब अभी संकट के समय तो कोई अभी दिख नहीं रहा है, सब ओझल है, छुपे हुए हैं, लेकिन चुनावी वक्त में कोई ना कोई आएगा आपसे और खुद के समर्थन का वादा आपसे लेगा, तब क्या करिए? हम कहेंगे कि हम लोग अभी संकट में पड़े हुए हैं, अभी तक हमको कोई हेल्प नहीं मिला, आप नहीं आए तो हम किस उम्मीद पर आपको कुछ हम करेंगे, कुछ मिलेगा तब कोई किसी आशा से कोई काम करता है। युवा युवा आज की युवा जो है वो प्रशासन प्रशासन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो सरकार बनने में अपनी भागीदारी को बड़ी ही मजबूती से निभाते हैं। एक युवा है, इनसे जानते हैं, आपके गांव में बाढ़ की विभीषिका है, कोई प्रतिनिधि अभी देखने के लिए तैयार नहीं है, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? क्योंकि आजकल सरकार चुनने में आपकी बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि यहाँ कोई भी सरकार अभी कोई सेवा भी उपलब्ध नहीं किया है, जो लोग है भूखे बाढ़ के पीड़ित माल जाल ऐसा ही मवेशी मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, इस कारण से कोई भी नेता के अलग चुनाव किया जाएगा। अच्छा, अभी तक मतलब आप लोगों ने खुद से, जब आपसे तो कोई संपर्क नहीं किए हैं, आप लोगों ने संपर्क किया है किसी से? हम लोग कहाँ संपर्क करने जाए, हम लोगों के घर में कोई अधिकारी, कोई अधिकारी से? कोई अधिकारी नहीं, वीडियो से बातचीत हुई तो वीडियो साहब बोले, सीओ साहब बोले कि अभी
एक दो रोज देख लिया जाए और अगर बाढ़ का पानी। कितने दिनों से इस प्रॉब्लम है? ये लगभग एक सप्ताह होने जा रहा है। एक हफ्ते और एक दो दिन और इंतजार करने के बाद? इंतजार करने के बाद वीडियो और सीओ के द्वारा बोला गया। जो बाढ़ जो प्रभावित है, सरकार का कहना था कि सबके खाते में जो पीड़ित है 6,000 रुपए तत्कालिक मदद पहुंचाई जाएगी, बाद में सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर क्षति का आकलन करने के बाद उनको उनका मुआवजा राशि बढ़ाया जा सकता है। अभी तो कोई सर्वे टीम आई है गाँव में या नहीं आई? 6,000 की मदद पहुंची है नहीं पहुंची है? कोई भी सर्वे नहीं आया है, नहीं किसी के पास खाते में पैसा भी नहीं आया है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर पटना में सिर्फ घोषणा होती है, सिर्फ सरकार दिखावा कर रही है। जो 500 रुपये 2,000 रुपये दे रहा है, जो कमीशन दिया है उसके खाते में पैसा, कुछ लोग के खाते में आई है वही आया है, जिसके खाते में जो दिया है पैसा 500-2,000 कर कमीशन जो दिया है उसके खाते में पैसा आया है, बाकी किसी के पैसे में नहीं। 6,000 में 3,000 पार्टी को मिला, 3,000 कमीशन उसको हो गया। बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि जो 10,000 की आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है, बाढ़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं, सड़क चलने लायक नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन 6,000 रुपया पाने के लिए बाढ़ पीड़ितों को, जो कि घर छोड़ के अभी सड़क पर शरण लिए हुए, उनको भी घूस का रकम देना होता है, तो उनके खाते में 6,000 रुपया पहुँचता है। अभी तक गाँव में बाढ़ की विभीषिका से कितनी क्षति हुई है इसकी आकलन के लिए तो अभी कोई टीम गठित नहीं हुई है, और स्थिति यही है, और इस बात के लिए लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा है। हालांकि अब चुनाव का समय है, चुनाव के जब नेता आएंगे तो लोग क्या उनके से जवाब करें, उनसे सवाल करेंगे और क्या लोगों का मतलब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी बाढ़ की विभीषिका लोग झेल रहे हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए।